आज हम बनाएंगे टेस्टी चटपटा मसालेदार कुंदरू की सब्जी ग्रेवी के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी वीडियोस का। तो चलिए बनाते हैं कुंदरू की सब्जी। तो मैंने देख लीजिए, मैंने ले लिया कुंदरू। कुंदरू को अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। उसके बाद देख लीजिए, इसी तरीके से बीच में कट लगा देंगे। आगे का पार्ट पीछे का पार्ट निकालने के बाद फिर इसके बाद ऐसे करके कुंदरू का कट लगा देंगे। तो देख लीजिए मैंने कुंदरू कट कर लिया है। उसके बाद तेल गर्म होने के बाद डाल लीजिए इसको फ्राई होने के लिए। तो देख लीजिए कुंदरू को अब हम कर लेंगे फ्राई। तो हम इसको ढक देते हैं। तो ढकने के बाद देख लीजिए, एक मिनट के बाद देख लीजिए हमारा कुंदरू जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। तब हम एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे। तो इसको फटाफट से निकाल लीजिए और मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। तो अब इसके बाद जो तेल बचा हुआ है इसी तेल में हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और दो प्याज कट करके डाल देंगे बारीक, और हरी मिर्च मैंने दो काटे हैं। और अच्छी तरीके से इसको तेल में मिक्स कर दीजिए और इसको सॉफ्ट होने तक ढक करके पका लेंगे। तो इसको ढक देंगे एक मिनट बाद। देख लीजिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड करने वाली थी पर मिक्सर ही बिगड़ गया, तो इसके लिए मैंने इसको कट किया था जो उसी को डाल दिया। इसके बाद हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं अच्छे तरीके से। तब इसमें नमक डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिला लीजिए। तो देख लीजिए मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं। जितना मसाला अच्छे तरीके से पकेगा उतना ज़्यादा स्वादिष्ट आएगा। एक मिनट तक पका लेंगे मसाले को। तो देख लीजिए हमारे जो मसाले हैं अच्छे तरीके से पक चुके हैं, देख लीजिए। तो हमारे मसाले जितनी अच्छी पकेंगे उतनी अच्छी सब्जी बन के रेडी होगी। अब इसके बाद हम इसमें अब डाल देंगे पानी। आप ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। और उसके बाद नमक डाल देंगे। नमक है पहले भी डाला था, ये भी देख लीजिए, तो इसीलिए थोड़ा सा ही डालेंगे। तीन मिनट तक मैंने ढक करके इसको पका लिया है बॉईल होने तक, जब तक इसमें बॉईल न होने लगे पानी जो है। तो देख लीजिए अच्छी तरीके से ग्रेवी जो है वो बॉईल हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कुंदरू। कुंदरू को डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए और इसको दो मिनट तक ढक करके पका लेंगे। दो मिनट बाद देख लीजिए हमारा जो कुंदरू है अच्छे तरीके से बन के रेडी हो गया है। देख लीजिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, इसकी हम कर लेंगे प्लेटिंग। तो आपने कुंदरू की तो सूखी सब्जी बहुत ही बनाई होगी, क्या आपने ग्रेवी के साथ में बनाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा बनाने में आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।